नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका भारत 9 के स्पेशल एडिशन में, जिसमें हम लगातार रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार वहां से छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी गतिविधि वहां पर हो रही है उसकी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार पैनी नजर इस पर बनाए हुए है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला बुधवार को सातवें दिन भी जारी है। खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों में लगातार हमले हो रहे हैं। यहां 24 घंटे में हुए हमलों में कम से कम 21 लोग मारे गए हैं और 112 घायल हो गए हैं। आज सुबह रूसी पैरा ट्रूपर्स ने खार्किव में एक अस्पताल पर हमला किया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि जंग में अब तक लगभग 6000 रूसी सैनिक मारे गए। इधर रूस खारसोन शहर पर कब्जा करने का दावा कर रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत का दूसरा दौर आज यानी बुधवार को पोलैंड में होगा। बातचीत से पहले जेलेंस्की ने कहा कि जब तक यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमला जारी रहेगा, तब तक शांति की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे में जरूरी है कि कुछ बड़ी अपडेट्स इस पूरे युद्ध को लेकर आप लोगों तक पहुंचाई जाए। अमेरिका ने अमेरिकी हवाई क्षेत्र से रूसी उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि वो यूक्रेन की मदद के लिए $3 अरब की मदद भेजेगा, जिसमें से $35 करोड़ अगले सप्ताह तक भेज दिए जाएंगे। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूक्रेन में नरसंहार के दावों को लेकर अगले हफ्ते सोमवार से पब्लिक हियरिंग शुरू करेगा। ब्रिटिश विदेश सचिव लिज ट्रस ने रूस के नए प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए ब्रिटेन के बंदरगाहों पर रूसी जहाजों को बैन कर दिया है। जो बाइडेन ने US कांग्रेस में स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित करते हुए कहा, पुतिन ने गलत कदम उठाया है, वो यूरोप को बांटना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जैसे ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बोलना शुरू किया, लगभग 100 डिप्लोमेट्स ने वॉकआउट कर दिया था। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पोलैंड बॉर्डर से पहले भारतीय छात्रों को कई किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ रहा है। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो लगातार सातवें दिन भी जारी है। ऐसे में भारत सरकार लगातार मिशन गंगा को धार देती हुई नजर आ रही है। तो फिर खबरें भी आने लगी कि यूक्रेन बॉर्डर पुलिस भारतीयों को टॉर्चर कर रही है। ऐसे में पोलैंड में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने ऐसे मिशन को अंजाम दिया जो जंग के हालात में इम्पॉसिबल था। एम्बेसी ने भारतीयों को लाने के लिए यूक्रेन बॉर्डर के अंदर घुसने का फैसला किया। लगातार बिगड़ते हालात और गोलीबारी के बीच ये काम नामुमकिन जैसा ही था। मिशन था यूक्रेन में 30 किलोमीटर अंदर घुसना और सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकलकर पोलैंड पहुंचाना। एम्बेसी के साथ इस मिशन को लीड करने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन अमित लात ने बताया कि पोलैंड में 444 भारतीय छात्रों को मंगलवार शाम भारत के लिए रवाना किया गया। तो इन छात्रों को निकालने के लिए युद्ध शुरू होते ही इंडियन एम्बेसी एक्टिव हो गई। उसके इस मिशन में इंडो पॉलिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने रणनीति बनाने में मदद की। इस मिशन को अंजाम देने के लिए युद्ध ग्रस्त यूक्रेन बॉर्डर के अंदर 30 से 50 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे भारतीय छात्रों को पोलैंड के सुरक्षित क्षेत्र में लाना था। पैदल आने में इन्हें 4 दिन का समय लग रहा था। इस दौरान यूक्रेनियन पुलिस की ज्यादती का खतरा बना हुआ था। इस पर ठंड के दौरान रास्ते में ही रात बिताने से तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। हालात बदतर होते जा रहे थे। 24 फरवरी को रूस का हमला होते ही पोलैंड में इंडियन कम्युनिटी एक्टिव हो गई। IPCC के आई के साथ मिलकर एम्बेसी ने 7 टीमें बनाई। इन्हीं में से किसी को भारतीयों को यूक्रेन से निकालने का जिम्मा दिया गया तो कोई उनके ठहरने और खाने का इंतजाम कर रही थी। एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया, यहाँ से पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन पर नजर रखी जा रही थी। भारतीय छात्रों का रेस्क्यू कैसे किया जरा समझिए। मिशन पूरा होने के लिए 30 बसों का काफिला सोमवार शाम यूक्रेन से आ रहे छात्रों को लाने के लिए रवाना किया गया। ये छात्र यूक्रेन के पश्चिमी शोर पर पोलैंड की तरफ जाने वाले रास्तों पर थे। पश्चिमी यूक्रेन का शहर योवोरिस पोलैंड बॉर्डर से 49 किलोमीटर दूर है।
इसी रास्ते से भारतीय छात्र पैदल पोलैंड की तरफ आ रहे थे। रास्ते में लोगों को यूक्रेन की सेना और बॉर्डर पुलिस टॉर्चर कर रही थी। ऐसे में मिशन को जल्द अंजाम देने पर भारतीय दूतावास का सबसे बड़ा फोकस था। सबसे बड़ी चुनौती थी छात्रों से संपर्क साधना और उन्हें यह भरोसा दिलाना कि भारत सरकार उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मिशन पूरा करने में कितना समय लगा? मिशन को पूरा करने में 5 से 6 दिन लगे। पोलैंड से यूक्रेन की ओर जाते हुए बसों पर कम समय लगा, लेकिन भारतीयों को वापस लाते वक्त इन्हें दोगुना टाइम लगा। दरअसल यूक्रेन से पोलैंड आने वाले रिफ्यूजियस की वजह से पूरे रास्ते में जाम लगा था। आखिरकार 2 बैच में तकरीबन 500 भारतीयों को सुरक्षित पोलैंड के रेजो शहर के होटल प्रेसिडेंस की पहुंचाया गया। यहां सभी छात्रों को मेडिकल हेल्प दी गई है, रहने का, खाने पीने का सामान किया गया है। वहीं ये सभी छात्र पोलैंड से बुधवार सुबह इंडिगो की 2 फ्लाइट से भारत पहुंचे हैं। तो ये हालात बने हुए हैं और कोशिश लगातार की जा रही है कि जो भी हालात हैं उन पर नजर बनी रहे और ऐसी कोई तस्वीर सामने ना आए इससे ये लगे कि भारतीय छात्रों को वहाँ खतरा हो सकता है। तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं, छात्रों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही तमाम भारतीय की वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज जो है आप अपने घर पहुंच गए हैं सुरक्षित, किस तरीके से आप वहां फंसी हुई थी यूक्रेन में, किस तरीके से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा था? जब वहां पे बमबार्डिंग शुरू हुई उसके बाद तो बस ये लग रहा था कि बस घर ही जाना है, तो बॉर्डर तक पहुंच ये लग रहा था कि बस बॉर्डर तक किसी तरह से पहुँच जाए और क्रॉस कर जाए। तो मेन दिक्कत बॉर्डर क्रॉस करने में थी। फिर उसके बाद रोमानिया पहुंचे हम लोग। फिर रोमानिया में भी दिक्कत वैसे कुछ नहीं थी, लेकिन टेम्परेचर माइनस में था। हम लोग 6-7 घंटे तक माइनस में लाइन में लगे रहे रिफ्यूजी वीज़ा के लिए। फिर उसके बाद उन रोमानिया होटल में उन्होंने रुकवाया, फिर खुद से बस करवाई। तो और मेन दिक्कत जो है वो जैसे ही हम लोग बॉर्डर पर पहुँचे हैं तो वहाँ पे इतनी भीड़ है, वहाँ पे रुक भी नहीं सकते हैं। और रात में टेम्परेचर माइनस में था, हम लोग -10 में, और स्नो भी हो रही थी, तो -10 में स्नो में बाहर बैठे रहे, कोई ना खाने की व्यवस्था थी ना पीने की, जो हम लोग अपने साथ ले गए थे बस वही था। और ये था कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर क्रॉस कर जाएं। फिर आपने जब बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद इंडिया से कैसे मदद मिली थी? हाँ, इंडिया से बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद भारत सरकार ने फ्लाइट की व्यवस्था की है, और फिर इंडिया आने के बाद फिर खाना की भी व्यवस्था है अलग अलग स्टेट के भवन में। जैसे हम लोगों के लिए यूपी भवन में व्यवस्था की गई अच्छी, और उसके बाद सबको एक एक रूम दिए गए थे, वहाँ आराम से पहले रुक के फ्रेश हो लो, फिर खाना खा के फिर हम लोगों को भारत सरकार द्वारा ही घर तक छोड़ा गया एक एक बच्चों को। किस तरीके सरकार को आप जो है बधाई दे रही हैं? सरकार बहुत ही सराहनीय काम कर रही है, और हम सरकार से मतलब सरकार का धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो बच्चों को वहाँ से सेफली निकाल रही है। लेकिन एक अपील करना चाहेंगे कि जो बच्चे ईस्ट यूक्रेन में हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि वो बहुत पैनिक हैं और वो यही बोल रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है कि वो बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। आप जहाँ थी वहाँ किस तरीके से आपको दिख रहे थे कि हमले हो रहे हैं, कितनी दूरी आपसे थी? मेरे से 2 किलोमीटर दूर पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे हमला हुआ था। तो जब हम लोग उठे तो पूरे में धुआं छाया हुआ था। किस जगह पे थी आप? हम इवानो फ्रेंकिस। अच्छा, जब आपको ये मालूम हुआ उसके बाद आपको घबराहट हुई थी क्या? घबराहट तो बहुत हुई थी कि अब पता नहीं कब किस टाइम पे और दूसरा हमला हो जाए। हम लोग बाहर जा भी रहे हैं तो पता नहीं कौन मतलब रूसी सैनिक मिल जाए, कब मिल जाए। हालांकि तब वो इवानो फ्रेंकिस में नहीं घुसे थे, लेकिन खार्किव, ओडेसा यहाँ तक पहुँच चुके थे। खाने पीने का कैसे आप लोगों ने इंतजाम किया था फिर उसमें? जैसे ही बमबार्डिंग हुई सुबह 6 बजे हम लोग उठे और सीधे सुपरमार्केट है पास में, वहाँ से जितना भी खाने का सामान ले सकते थे वो लिया, पानी लिया, और फिर एटीएम में बहुत लंबी लाइन थी, वहाँ से कैश निकाला, और जितना भी स्टोर कर सकते थे सामान और ऐसा जो जल्दी ख़राब ना हो वो स्टोर कर लिया था। आपका नाम?
मेरा नाम शिवम ठाकुर। शिवम, कितने दिन से यूक्रेन में फंसे हुए थे और क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ का इतने दिन जब आप लोग आप वहाँ पर थे, और किस तरह से गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट किया आपको? यूक्रेन में पिछले 14 दिनों से फंसा हुआ का वहाँ का माहौल दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। वहाँ पर ऐसा मंजर था कि हमारे सामने वाली बिल्डिंग जो थी वो भी हमारे सामने ही तबाह हुई थी, और गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद करी है। एम्बेसी वालों ने हमसे लगातार हमारे कॉन्टेक्ट में रहे, हमका खाना भी मुहैया कराया उन्होंने। तो जब गवर्नमेंट से आपने किस तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश की जब आपको लगा कि वहाँ पे युद्ध की जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है, फिर गवर्नमेंट ने किस तरीके से रिस्पांस किया और किस तरीके से आपको इंडिया लेकर आए? गवर्नमेंट ने हमें अच्छा रिस्पांस करा, उन्होंने एम्बेसी वालों का नंबर हमारे तक पहुँचाए। अगर वो नंबर लोकल नंबर नहीं मिले तो उन्होंने व्हाट्सअप नंबर भी हमें पहुँचाए गए, व्हाट्सअप कॉल पर हमारी बात हुई उनसे। फिर उन्होंने वहाँ से बस के थ्रू हमें निकाला एम्बेसी वालों ने, और फिर वो हमें हंगरी लाए, हंगरी ला के बुडापेस्ट एयरपोर्ट पे निकाला। यहाँ पे किस टाइम लैंड हुए आप इंडिया में और किस तरह की इंडिया फॉर्मेलिटीज पूरी हुई? सुबह 8 बजे लैंड हुए थे, फिर यहाँ पे एक मंत्री जी के जितेंद्र सिंह की उन्होंने हमारा स्वागत करा, और बस मोदी है को मुमकिन है यही है। Many of our friends also gone to some other borders like Romania and all, but we felt that the type of accommodation we get here, food and the lovely environment, the cozy environment we get to relieve ourselves from the tension which we have gone through in the chop border is amazing and mind-blowing. Thank you sir for everything in the hungry border, and we will surely do. I pass this on to my young colleague who's a twin. करेगा हंगरी में जो इनको द वेलकम दे हैव गॉट दोस ही अरेंजमेंट नो नो ही यूज्ड टू बी एंबेसडर। इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली आल्सो टू मेक दिल्ली बिकॉज़ ही वाज एंबेसडर एट केप्टन पार्टी, बट वी आल्सो हैव टू थैंक द हंगेरियन अथॉरिटीज। सो व्हेन आई कॉल ऑन द फॉरेन मिनिस्टर आई थिंक इन द नेक्स्ट डे और टू I will show this clip of what you are saying. ये मेरे को दे देना साथ में. I'll show it to them because this kind of sentiment that you are expressing is coming from the heart. जो भाई साहब ने भी कहा अभी बोला जो भी बोला. So all I'm saying is delighted you are here. अभी इनका पेपर वर्क करवा लेना नहीं तो I will delay the flight. तो आप चलिए आप पेपर वर्क करना शुरू करिए. ऐसे में आज डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हैं और शान अली भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है आज सातवां दिन है और ये भयंकर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार रूस धमकी दे रहा है कि वो परमाणु हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। अगर जेलेंस्की बिना शर्त के नहीं झुकते तो फिर परमाणु हमला क्या हो सकता है और इसकी स्थिति बाकी अन्य देशों पर क्या पड़ेगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। टीपी त्यागी, सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। धन्यवाद, बोलिए। त्यागी साहब, ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है आज सातवां दिन है, तस्वीरें और भयंकर होती जा रही है, इस युद्ध को ये युद्ध जो है वो किस ओर जा रहा है? हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने, नेटो देशों ने और इन सब ने यूक्रेन को इतना उकसाया, उसे बलि का बकरा बना दिया और कह दिया कि चढ़ जा बेटा सूली पे, बलि करेंगे राम, हम अपने ट्रूफ तो नहीं भेजेंगे, पैसे पूसे भेजते रहेंगे। अब स्थिति ये आ गई कि इन्होंने रूस को कॉर्नर कर दिया, और जब किसी व्यक्ति और उसके दीवार के बीच में जगह नहीं रह जाती तो मजबूरन वो रिटेलिएट करता है। रूस के अब पूरी तरह से रूस अकेला पड़ गया है, सारे नाटो देश और पूरी दुनिया उसके खिलाफ है और उस पर इतने सैंक्शंस लगा दिए हैं कि उसे अपने लिए अब काम करना मुश्किल हो गया है। तब वही स्थिति की मरता क्या ना करता, तो इसलिए उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि युद्ध होगा, विनाशकारी होगा, और अगर विनाशकारी युद्ध होगा तो वर्ल्ड वार होगा, और अगर वर्ल्ड वार होगा तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे। ध्यान करिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भविष्यवाणी की थी कि तीसरा विश्व युद्ध यूरोप की धरती पर लड़ा जाएगा,
ऐसा प्रतीत होता है कि वो भविष्यवाणी अब सार्थक होने वाली है। सार्थक तो नहीं कहेंगे लेकिन साबित होने वाली है, क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो एक कॉमेडियन थे, ये जोकर, इसने ये कह कह के कि मैं अकेला, मैं भागूंगा नहीं, मैं कीव में रहूंगा, मेरे बच्चे लड़ेंगे, मेरे 18 साल से 60 साल तक के युवक लड़ेंगे, जो जेल में बंद अपराधी हैं वो लड़ेंगे, उन सबको बंदूकें देके इसने अपनी कंट्री में एक गृह युद्ध का तो वातावरण बना ही लिया, लेकिन इसने ये कह के अपने देश का कितना नुकसान कराया। इसके इंडियन, इसके डिफेंस सिस्टम, इसके एयर डिफेंस सिस्टम, इसके नेवल बेस, इसके मिलिट्री बेस, इसके रडार इंस्टॉलेशन, इसकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो और या और किसी किस्म का फ्यूल डंप हो, तेल डंप हो, उन सब के ऊपर हमला करा के आज खेरसान, कीव, खारकीव, ओडेसा, ये सब तबाही तबाह हो चुके हैं। किस लिए? इसलिए कि मुझे नाटो की सदस्यता दे दो, मुझे यूरोपियन यूनियन में कर लो। क्या इस उद्देश्य के लिए इस युद्ध को करवाना जरूरी था? अब इसका एक ही इलाज है और वो इलाज है कि ये जोकर अपने पद से त्याग पत्र दे, एक नया राष्ट्रपति चुना जाए किसी भी माध्यम से, तो इसका सॉल्यूशन है। और अगर ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी को, खासतौर से अमेरिका को नहीं सुनाई देती है, तो अमेरिका ये सुन ले कि आज की तारीख में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में रशिया उससे ज्यादा है। अगर उसके पास 300 किलो टन टीएनटी का न्यूक्लियर बम है तो रशिया के पास 800 किलो टन टीएनटी का बम है। यानी कि रशिया हैज गॉट ए अपर हैंड एज फार एज द न्यूक्लियर मैटर्स आर कंसर्न, और सैटेलाइट इंटेलिजेंस और एरियल फायर पावर में भी रशिया किसी मायने में अमेरिका से कम नहीं है। लिहाजा बेटर होगा कि ये गुड सेंस प्रिवेल करे और अब बिना शर्त यूक्रेन करे। और रूस ने तो कहा था कि मुझे यूक्रेन पे कब्जा नहीं करना, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बने, बस इतनी सी बात है, इसे करवा ले। थैंक यू मैम, आई टेक लीव। ठीक है त्यागी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शान, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? क्योंकि कल भी हमने आपसे बातचीत की थी और आप सुरक्षित हैं, सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है। लेकिन ऑपरेशन गंगा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अगर देखा जाए तो अब वो तेजी जो इतने दिनों में नहीं दिखाई दे रही थी अब दिखाई दे रही है। जो चार मंत्री हैं कैबिनेट के, वो पहुंचे हुए हैं अलग अलग देशों में, लगातार छात्रों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? मैं अभी स्लोवाकिया में, जो नेबर कंट्री है यूक्रेन की, वही जो एम्बेसी के थ्रू जो होटल मिला है, अभी वही रुके हुए हैं सब लोग। शान, तो ऑपरेशन गंगा की तेजी को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, देखिए आप तो सुरक्षित हैं लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं, चाहे वो कीव हो या खारकीव हो या बॉर्डर्स हो। जी, अभी तो मैं कहूंगा कि अभी तो दोस्तों में से 100 मार्क्स दूंगा मैं गवर्नमेंट को। और जो ये तेजी दिखाई है उन्होंने दो दिन में, जब जो लड़का था अभी उसके डेड होने के बाद में, लेकिन उससे पहले भी और अच्छी स्पीड दिखाई जा सकती थी इस काम में, क्योंकि पहले जो एक फ्लाइट जा रही थी उसमें करीब 250 के करीब बच्चे जा रहे थे, तो उससे उम्मीद नहीं थी मुझे कि जो स्पीड है उसमें तो 100 दिन लग जाएंगे 20,000 बच्चों को निकालने, अगर 7 दिनों की अलग अलग तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये युद्ध जो है और ज्यादा भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही साथ अगर परमाणु हमला रूस करता है तो उसकी भयावह जो स्थिति है वो पूरे वर्ल्ड में देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही है कि आज जो बातचीत होगी रूस और यूक्रेन के बीच वो क्या रंग लेकर आएगी, क्योंकि इससे पहले भी वार्ता हो चुकी है लेकिन उस वार्ता के कोई नतीजे नज़र नहीं आए थे। जेलेंस्की आते हैं और कहते हैं कि यू में उन्हें भी समर्थन चाहिए और उन्हें भी जगह चाहिए।
उसकी मंजूरी को लेकर लगातार कल वोटिंग भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये कह दिया जाए कि यूक्रेन पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा तो ये नामुमकिन है, क्योंकि रूस पूरी तरह से परिपक्व है, उसके पास ऐसे हथियार हैं जो यूक्रेन के पास नहीं है। ऐसे में अंत में जो स्थिति आती है वो ये आती है कि क्या यूक्रेन घुटने टेक देगा, और अगर नहीं टेकता तो फिर जेलेंस्की का क्या होगा, ये भी सबसे अहम सवाल है। फिलहाल के इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।